नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम कर रहे हैं 2000 क्वेश्चन सीरीज का इस प्रेजेंटेशन का पहला क्वेश्चन होगा। इन द गिवन फिगर ए ओ इज इक्वल टू सी डी वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पी बी। हमें ए पी बी इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें दिया हुआ है कि ए ओ है और सी डी दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला पोर्शन बराबर है। ये वाला रेखाखंड ए ओ और सी डी दोनों रेखाएं बराबर है, तो बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये और ये भी बराबर है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, सी और ओ को, और सी और डी को मैं ज्वाइन करता हूं, ओ और डी को, क्योंकि ये रेडियस है, अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, क्योंकि तीनों साइड है बराबर है, समबाहु त्रिभुज बन गई, तीनों साइड बराबर है। 60 डिग्री का कोण होगा, यहाँ 60 का होगा और यहाँ पे 60 डिग्री का, 60 डिग्री ईच एंगल, ये भी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बिंदु रख कर, ये देखिए यहाँ पे ये बराबर है, ये बराबर है, ये चाप ऐसे लगा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये भी बराबर होगा। यहाँ पे मैंने रखा और जितना ये है इतनी दूरी पे आगे बढ़ा दिया, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये और ये, तो ये भी आर होगा, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर था, ये भी आर था, जैसे ये आर हुआ, ये भी आर हुआ। और क्योंकि ये साइड बराबर है और ये 120 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री बचाइए, ये भी 60 डिग्री है, तो तीसरा एंगल भी 60 डिग्री होगा। एक तो ये बात बन गई, निकालना क्या था, ये निकालना था 60 डिग्री। लेकिन आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जब भी एक ये रेडियस बराबर हो इसके साथ में, तो चार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, एक दो तीन चार। क्योंकि कई बार ये भी पूछा जा सकता था कि बताओ ए पी बी इसका एरिया क्या है, अगर ये आर है तो, और ये आर की जगह 5 दिया होता, तो इस तरह से आपको पूरा एरिया निकालना होता है ए पी बी इस तरह की सिचुएशन में, तो भी आप उसको निकाल सकते थे। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इस फॉर्मेट में कई टाइप के क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। ये पोर्शन का इसका एरिया भी निकालना पूछा जा सकता था, मेंजुरेशन में इसका एरिया भी निकालना पूछा जा सकता था, तो कई एंगल से ये क्वेश्चन बन सकता है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था ए पी बी बताना है, तो ये होगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 120 डिग्री। इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल पी मीट्स क्यू आर एट एम, फाइंड द लेंथ ऑफ पी एम। क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये ट्रायंगल दी हुई है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर 9 सेंटीमीटर है, क्यू प्लस आर इन दोनों का जोड़ 120 डिग्री है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब इसका दो भागों में बांट दिया जाता है, बाद आगे बढ़ाया जाता है उसको, तो ये क्यू आर को एम पे काटता है, क्यू आर को एम पे काटता है। हमें बताना है पी एम की लंबाई कितनी होगी, पी एम की लंबाई हमें बतानी है। तो देखिए, अगर ये 120 डिग्री है, ये दोनों मिलाकर 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए कि ये 60 डिग्री और एंगल बाइसेक्टर, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, और ये पोर्शन कितना हुआ, ये वाला एंगल, ये भी 30 डिग्री हुआ, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर। पी क्यू आर इसका एरिया निकाला जा सकता है, क्योंकि ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई, और साथ में क्या है, एक एंगल दिया हुआ है, तो एरिया क्या होगा इसका। हमें क्या करना है इसमें कि पी क्यू आर का इसका एरिया होगा वो पी क्यू एम इसका एरिया और पी आर एम इन दोनों के एरिया का जोड़ होगा। मान लो मैं इसको वाई मान लेता हूँ, पी एम को वाई मान लेता हूँ, जिससे कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो यहाँ पे पी क्यू आर का एरिया कितना होगा, 1/2 12 × 9 और इंटू ये साइन 60 कितना होता है, √3/2, और √3/2 क्या किया मैंने कि एक ट्रायंगल है, ये दो साइड दी हुई है, ये 12 दी हुई है, 9 दी हुई है, या मान लो ये एक्स दी हुई है, ये वाई दी हुई है, और ये एंगल दिया हुआ है, एंगल है ये थीटा। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 1/2 एक्स इंटू वाई इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है
इस तरह की सिचुएशन में जब ट्रेंगल बन रही होती है। तो कितना हुआ ये चार था, चार थी 12, 27√3, 27√3 पूरी ट्रेंगल का एरिया हो गया। अब हमें ये और ये जोड़ना है, तो ये किसका है, देखो ये वाई है साइड, ये 12 है और एंगल बीच में कितना है 30, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, मतलब कि ये वाई है और ये 12 है और ये हमें क्या 30, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 12 इंटू वाई इंटू साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और ये पोर्शन कितना है, ऐसे इसका निकालेंगे, क्या है इसका 1/2 इंटू 9 इंटू वाई इंटू साइन 30, 1/2 साइन 30 होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 9/4 वाई, 9/4 वाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 4 3 12 8 9 21, 21y/4 और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है 27√3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू ये 3 से कट जाएगा, 3 × 27 × 3 = 21, 9 × 36 y की वैल्यू आ जाएगी 36 / 7√3, ये y की वैल्यू आ जाएगी 36/7√3। हमने क्या किया है कि पहले इसका एरिया निकाल लिया, यहाँ पे 45 डिग्री भी हो सकता था, 60 भी हो सकता था, 30 भी हो सकता है, तो कुल मिलाकर क्या है कि इस क्वेश्चन से आपको ये पता होगा कि जब ऐसी सिचुएशन में 12 दिया, 9 दिया और एक एंगल दिया होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, और अगर ये साइड निकाली होती है तो इस हिसाब से आप साइड निकाल सकते हैं, जब आप 30 डिग्री है 30 डिग्री है, या ये 30 होता है या 45 होता है तो भी आप इस तरह से जोड़ सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सर्कुलर रिंग विद सेंटर ओ इज कैप्ड इन ए वर्टिकल पोजीशन बाय टू वेटलेस थिन स्ट्रिंग टीपी एंड टीक्यू अटैच्ड टू द रिंग एट पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो काफी लंबी है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट के अनुसार क्वेश्चन को समझने में, डायग्राम बनाने में काफी टाइम लगेगा, और यही एक चीज है कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ नहीं है इसमें। सर्कुलर रिंग दी हुई है जो कि वर्टिकल पोजीशन में है और दो धागे हैं टीपी और टीक्यू, वो अटैच्ड हैं कहाँ पे, जो रिंग है उसको पी और क्यू पॉइंट पे। फिर क्या बोला जाता है कि लाइन OT है वो मीट करती है ई बिंदु पे, जो कि वेयर इज दैट ए टेंजेंशियल स्ट्रिंग एट ई मीट्स टीपी एंड टीक्यू, और ई पे अगर टेंजेंट खींचा जाता है तो टीपी और टीक्यू को ए और बी पे क्रमशः काटता है। इफ द रेडियस ऑफ द रिंग इज 5 सेंटीमीटर, OT है 13 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ AB कितना होगा। डायग्राम बनाते हैं फिर समझ में आएगा, ये है एक सर्कुलर रिंग, हम बोल सकते हैं ये सर्कल है, सर्कुलर रिंग और सेंटर इसका O है। फिर क्या है कि ये लटकाए जाते हैं, वर्टिकल है, लटकाया जाता है किससे, किसी एक बिंदु से, धागे से लटकाया जाता है, और दो स्ट्रिंग ऐसे दी हुई है, एक धागा ये और एक धागा ये दूसरा, और ये क्या है टी है, ये टी बिंदु, टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू यहां पे आ गया, अटैच टू द रिंग एट पी एंड क्यू, यहां पे कोई बंधा हुआ है और यहां पे बंधा हुआ है क्यू पे। लाइन OT, लाइन OT कौन सी हुई, ये वाली लाइन OT हुई, ये वाली लाइन OT हुई, OT मीट्स द रिंग एट ई, रिंग को, रिंग कौन सा, ये वाला रिंग है, इसको कहां पे काटते हैं, ई पे काटते हैं, ई बिंदु पे, ये ई बिंदु हुआ। वेयर इज टेंजेंशियल स्ट्रिंग एट ई मीट्स टीपी एंड क्यू, टीक्यू एट ए एंड बी, क्या बोला गया कि टेंजेंट है ई से टेंजेंट, ई से टेंजेंट क्या है, ये वाला ई से टेंजेंट कर दिया हमने, और वो कहां पे काटता है, वो काटता है टीपी को, ये टीपी है उसको काटता है ए बिंदु पे और टीक्यू को काटता है बी पे, मतलब कि ये जो है ये ए है और ये बी है। इफ द रेडियस ऑफ द रिंग इज, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो हमें और OT दिया हुआ है 13, O और T ये कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो हमें बताना है AB की लंबाई कितनी होगी, A और B इसकी लंबाई हमें बतानी है कि ये कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आसान है, इसकी स्टेटमेंट काफी लंबी है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको सिमिलर ट्रायंगल है बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं।
टोटल ओटी 30 ने ये 5 दिया हुआ, ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13 8 ही हो जाएगा। मतलब कि टी ओ या ओ टी 13 है और ये रेडियस दिया हुआ 5, ये कितना हो जाएगा ई टी, ये हो जाएगा 8। तो देखिए अगर और ये 13 है, ओ टी 13 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री का टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है सेंटर के साथ में, तो ये 90 डिग्री का हुआ 90 डिग्री। अगर ये 5 है ये 13 है तो ये कितना हुआ 12 हुआ। मतलब कि अगर ये 5 है ये 12 ये 13 है तो ये कितना हुआ 12। पाइथागोरस ट्रिपलेट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज। तो इस ट्रायंगल में देखिए दो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल बन गई, कौन कौन सी बनी है टी पी ओ ट्रायंगल, टी पी और ओ, और ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के सिमिलर है टी ई ए, टी ई और ए ट्रायंगल टी ई ए इसके सिमिलर। कैसे सिमिलर है कि ये जो ये वाला एंगल है वो तो दोनों का कॉमन हुआ, ये 90 डिग्री इसका, ये इसका 90 डिग्री है। अब दो एंगल बराबर, दो एंगल इसका ये बराबर है और ये बराबर है, इसका थर्ड एंगल ये दोनों बराबर हुआ, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हुआ, तो इसलिए जो तीनों एंगल बराबर हुए तो ये ट्रायंगल हो गई सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो होता है वो बराबर होता है एक सिमिलर ट्रायंगल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टीपी है, टीपी कितना दिया हुआ है टी और पी, ये दिया हुआ है 12। इसका क्या है कोरस्पोंडिंग साइड, इसकी कौन सी हुई, ये हुई टीई। टी ई कितना है टी ई, ये 8 हुआ, 12 बटे में 8 हुआ। फिर हमें ज्ञात क्या करना है, ए ई ज्ञात करना है, ए ई मतलब ये वाला पोर्शन। तो इसका ये कौन सा हुआ पी क्यू हुआ, पी ओ, पी ओ कितना दिया हुआ है पी ओ 5 दिया हुआ है, और ई ए जो हमें निकालना है, ई ए हमें निकालना है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ई ए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बटे में 3, 10/3। ये पोर्शन ई ए 10/3 आ गया। अब ये इस साइड वाला भी 10/3 होगा क्योंकि टी पी ओ और टी क्यू ओ ये दोनों कॉन्ग्रुगेंट ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुगेंट, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होता है और ये कॉमन साइड है, तो डेफिनेटली ये और ये फिर बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं 2 से गुना कर दूंगा, 10/3 इंटू 2 20/3 आ जाएगा। मतलब ये पूरा ए बी जो निकालना था इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी निकालना था हमें, इसकी आ जाएगी 20/3, बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रेगुलर हेक्सागोन इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ एक्स इज द एरिया इनसाइड द सर्कल बट आउटसाइड द रेगुलर हेक्सागोन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या दिया हुआ है कि एक हेक्सागोन दिया हुआ है और किसमें, सर्कल के अंदर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, और x वो कौन सा वो एरिया है जो सर्कल के अंदर है लेकिन हेक्सागोन के बाहर है, हमें बताना है ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन काफी ज्यादा है क्योंकि ऑप्शन नजदीक नजदीक है। तो देख लेते हैं क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया, इसके अंदर हेक्सागोन है, इसका मतलब 6 साइड होगी, ये 6 साइड होगी हेक्सागोन, और हेक्सागोन के बाहर सर्कल के अंदर जो एरिया है कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, पूरा पोर्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू x है, इस पीले वाले की वैल्यू है x है। तो हमें x की, x को कहां पे रखेंगे, कौन सी स्टेटमेंट x के संदर्भ में करेक्ट है ये बताना है। इसमें यह भी हो सकता था एक का निकालना हो और यह भी हो सकता था पूरा का निकालना है। तो क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से 22/7 आर कितना है, आर इसका 5 दिया हुआ है, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ हेक्सागोन, और एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होता है 6 इंटू एरिया ऑफ, देखो ये क्या है, ये सेंटर है, इसको मिलाता हूँ मैं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है, और इसका मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3/4 ए स्क्वायर होता है, एक है साइड, इसमें साइड कितनी है, साइड इसमें 5 है क्योंकि रेडियस और साइड बराबर है, 5 है, 5 का स्क्वायर है, तो 3/4 √3/4 ए स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल का आ गया और इस तरह की 6 ट्रायंगल है, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 3, तो ये हो जाएगा 3 × 25 √3 की जगह, क्योंकि ये एग्जैक्ट निकालना है तो इसलिए 1.732 लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बटे में 2,
या दूसरे शब्दों में यहाँ से कट जाएगा 2 बटे 16, 2 6 12, 2 6 12, इसको मैं 25 से गुना कर देता हूँ, 25 से 150 प्लस 15 165, 25 8 200 16 आ जाएगा 21.650। ये क्या आ गया, इस दोनों गुना 3 से और कर देता हूँ, 0 3 5 15, 3 6 18 19, 3 1 3 4, 3 2 6, 64.95 ये आ गया इसका एरिया। और इसका एरिया कितना था, 25 2 50 और 25 2 50 55 बटे 60, मतलब 77 49, 1 7 6 56 4, 7 35 और 5 49, 78.57 ये माइनस करूंगा इसमें से 95, 7 में 5 गए तो 15 में 9 हो गए, 6 7 में 4 गए 3 और 1, 13.62 ये एग्जैक्ट आ गया, 13.62 एग्जैक्ट आ गया इसका एरिया। हमने इसका निकाला और ये निकाला और आखिरी डेसिमल तक निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नजदीक नजदीक है। तो क्या हुआ इसका एरिया बीच वाले का, ये इसके इसके बीच में होगा, 13 से ज्यादा है लेकिन 15 से कम है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये सिर्फ निकालना होता तो क्या करते हम, इसको जितना एरिया आया था 6 से भाग दे देते। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कोर्ड्स एक्स वाई एंड जेड टी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी। दो स्टेटमेंट दी हुई है दो कोर्ड्स के संदर्भ में, एक सर्कल दिया, एक सर्कल के दो कोर्ड के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या क्या है दोनों गलत है या एक गलत है एक सही। देखिए क्या है, एक सर्कल ले लेते हैं, एक्स वाई, एक्स और वाई और जेड टी, जेड और टी दो कोड है और वो इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे, पी बिंदु पे। अब जो स्टेटमेंट यहां पे दी हुई थी उसका हमने देख लिया, अब दिया हुआ है कि पी एक्स इंटू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड और पी टी। देखो एक तो प्रॉपर्टी आपको पता होगी, नहीं पता है तो होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी है कि जब दो कोड आपस में इंटरसेक्ट करती है, इंटरनली इंटरसेक्ट करे वो या एक्सटर्नली करे, इस केस में इंटरनली कर रही है, एक्सटर्नली कौन सा होता है ये वाला पोर्शन, ऐसे एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है, ये कोड है ये भी कोड है लेकिन वो बाहर की बजाय अंदर इंटर, बाहर अंदर की बजाय बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, इस केस में अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों केस में सेम है, मतलब कि एक्स पी इंटू ये वाला पोर्शन इंटू पी वाई, पी वाई इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन जेड पी इंटू पी टी, इंटू पी टी ये वाला पोर्शन, मतलब कि इसकी और इसकी गुना इसके बराबर होती है, इसकी और इसके बराबर होती है, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, क्या है देखते हैं इसमें, पहले स्टेटमेंट पी एक्स पी एक्स, पी वाई पी वाई, जेड पी जेड पी और पी टी पी टी, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी दी है पहले स्टेटमेंट, तो क्या है ये प्रॉपर्टी करेक्ट है, रहूंगी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले तो काफी ज्यादा आते थे एसएससी में जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल ज्योमेट्री में से 40% है वो इसी तरह ही आते थे, लेकिन क्योंकि अब थोड़े स्टेटमेंट आजकल थोड़े चेंज हुए हैं तो इस आधार पे भी आ सकते हैं, इनके आधार पे जैसे ये पूछा जा सकता है 6 ये 8 ये 5 है तो ये बताओ कितना होगा, तो ऐसे भी पूछा जा सकता था। और क्या पूछा जा सकता है, देखिए पी एक्स जेड, मतलब पी एक्स जेड ये ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है पी एक्स जेड और पी टी वाई, पी टी वाई ये वाली ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या ये दोनों ट्रायंगल है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, तो वो देखते हैं हम लोग। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, जैसे यहाँ पे इन दोनों को मिलाया तो जो मेजर सेगमेंट है ये वाला मेजर सेगमेंट हुआ, इसमें जो एंगल बनते हैं, देखो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि सेम कोण पे सेम बेस पे एक ही सर्कमफ्रेंस पे एक ही साइड एक ही सेगमेंट में जो कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, सर्कमफ्रेंस पे ये कोण बन रहे दोनों बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर है और आमने सामने के बराबर कोण होते हैं, तो इसका तीसरा एंगल हमेशा बराबर हो गया, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट थी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये 6 दिया हुआ है, ये मान लो 8 दिया हुआ है, ये दे दिया 7, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रॉपर्टी अगर क्लियर है
आप ये कोड वाले जो इंटरसेक्शन वाले कोड है ये सारे आंसर दे सकते हैं, वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, क्योंकि प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। तो ये थे क्वेश्चन, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।